सभी को। स्टडे वी डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्सो नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन, आई ऑलरेडी टॉट यू कॉग्निटिव डोमेन आर दोज ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। हम लोगों ने कल संज्ञानात्मक क्षेत्र, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण तीन था, जिसमें पहला हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमने कहा कि वो तर्क, चिंतन, निर्णय लेने की बात आती है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड अफेक्टिव डोमेन। आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो दूसरा क्षेत्र हुआ वो अफेक्टिव डोमेन है, भावात्मक क्षेत्र, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अफेक्टिव डोमेन भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन और दोज ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड अफेक्टिव डोमेन इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू, इंक्लूड इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू एक्सेट्रा। मैंने कहा कि भावात्मक क्षेत्र जो है, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं क्या चीज का, रुचि का, मनोवृत्ति का, मूल्य का, विचारों का, इसमें जो है हमने कहा था आपको कि अफेक्टिव डोमेन जो है ये दिया गया करतवाल के द्वारा 1964 में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो भावात्मक क्षेत्र में एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अधिगमकर्ता के पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास में अहम रोल होता है, अहम भूमिका होता है। तो यहां पे एक शिक्षक को मैंने पहले भी कहा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ साथ अधिगमकर्ता के भावात्मक क्षेत्र को भी ध्यान में देना है। तो अब हम लोग इस भावात्मक क्षेत्र में देखेंगे कि कौन कौन सारे उप क्षेत्र हैं, सब डोमेन। तो पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, फिर है वैल्यूइंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, देन नेक्स्ट एंड लास्ट सी फॉर कैरेक्टराइजेशन। पहला आर फॉर रिसीविंग, रिसीविंग मीन्स आग्रहण, प्राप्त करना। अब ये जो है कि भावात्मक क्षेत्र में रिसीविंग, प्राप्त करना या आग्रह, एज फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपन के प्रति अधिगमकर्ता का जो जवाब होता है, जैसे हम प्रश्न पूछे बालक से और वो जवाब देता है, अब जवाब देते हैं, तो जब जवाब देते हैं तो वहां पे जब वो जानता है तो क्या होता है, सीखने के लिए इच्छुक होता है, ईगर टू लर्न। ये हम किसमें बात कर रहे हैं, रिसीविंग पहला में। तो हमने कहा कि भावात्मक क्षेत्र का जो पहला हमारा जो उप क्षेत्र है, ग्रहण करना, प्राप्त करना, इसमें जो है से शिक्षक जब सवाल करता है तो बच्चे जो है से जवाब देते हैं, या बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं
तो टीचर का जो है से जब बोलते हैं मतलब कहने का तात्पर्य क्या होगा, हमने क्वेश्चन किया बालक उसको ग्रहण किया, फिर बालक प्रश्न किया हमने उसको ग्रहण किया, फिर देन दूसरा क्या है रिस्पॉन्डिंग क्या है अनुक्रिया करना। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब हमने अभी कहा कि उद्दीपन के रूप में किसी भी प्रकार का प्रश्न है और प्रश्न पे वो जो है से जवाब दिया यानी सीखने के लिए उत्सुक था, तो जब ये उस प्रश्न पे जब वो रिस्पॉन्ड किया क्या किया प्रतिक्रिया दिया या अनुक्रिया दिया, तो कहने का मतलब यहां पे दूसरा जो हमारा रिस्पॉन्डिंग हुआ यहां पे समझने वाली बात है कि वो बालक जो है से क्या है एक्टिव है और आपको सक्रिय रखना है। क्या कहा मैंने एक्टिव सक्रिय, तो पहला में मैंने कहा था कि वो जो है सीखने के लिए इच्छुक है, इसमें हमने कहा रिस्पॉन्डिंग में क्या है कि जब वो बालक क्लास में कक्षा कक्ष में जब बालक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है प्रतिक्रिया दे रहा है इसका मतलब है कि बालक हमारा सक्रिय है। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है उत्तरदायित्व होता है कि उसको सक्रिय रखे, क्योंकि जो है कोठारी कमीशन ने भी कहा है, कोठारी कमीशन से द डेस्टिनी ऑफ इंडिया सेफ्ड इन आवर क्लासरूम, कोठारी कमीशन ने भी कहा कि देश का भविष्य जो है कक्षा कक्ष में निर्धारित होता है, तो इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बालक को क्या करे सक्रिय रखे। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा क्या है वैल्यू मूल्यकरण, ये जो आपका तीसरा है मूल्य, इसमें क्या है मूल्य में कहा गया कि अब यहां पे शिक्षक है या अधिगम करता है कोई भी व्यक्ति या मनुष्य है, अब उसके व्यवहार के आधार पे हम जो है से मूल्यों का जजमेंट करते हैं, मतलब हमारे व्यवहार के द्वारा आपके व्यवहार के द्वारा जो ये कहा जाता है कि वो जो है से मूल्यों का अनुसरण करता है। हमने पहले भी कहा कि मूल्य का तात्पर्य क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो आप में गुण है या जो विशेषता है उस गुण को आप कौन से गुण को क्या प्राथमिकता सबसे पहले देते हैं, जो अल्बर्ट ने भी कहा है। तो हमने अभी देखा रिसीविंग हो गया रिस्पॉन्डिंग हो गया वैल्यू, अब क्या बचा है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ये हमारा संगठन है। अब इसमें समझने वाली बात है कि अभी हमने कहा कि यहां पे मूल्य है विचार है इथिक्स है, तो यहां पे संगठन का तात्पर्य यहां पे क्या कहा गया भावात्मक क्षेत्र में कि बहुत सारे मूल्य जो है अब वो व्यक्ति में या अधिगमकर्ता में या मूल्यों के बारे में नैतिकता के बारे में वो जानकारी है, अब वो सारे गुणों को जैसे क्या ईमानदारी परोपकारिता एक दूसरे को सहयोग करना सहानुभूति दिखाना ये सारे गुण जो है से एक साथ हो गया, अब उस सारे गुण को क्या करना है ऑर्गेनाइज करना है संगठित करके, क्या कहा मैंने संगठित करके अब जो है से उसके अनुसार जो है से क्या करना है मूल्यों को जो है से हम प्रदर्शन करते हैं अपने विचारों को अपने जो है से नैतिक आचरण को। अब जो है से पांचवा है क्या है चरित्रीकरण करैक्टराइजेशन, ये तो ये जो है जैसा कि आपने देखा ये सबसे लोअर लेवल है, क्या है लो लेवल, अब ये क्या हुआ हाई लेवल भावात्मक क्षेत्र में जो हमारा रिसीविंग हुआ सबसे निम्न स्तर का हुआ और सबसे उच्च स्तर का क्या है चरित्रीकरण करैक्टराइजेशन। तो ये भावात्मक क्षेत्र में जो सबसे आपका ये चरित्रीकरण है इसका तात्पर्य ये है कि हम जो है से ये सारे गुणों को स्टेप्स के गुजरने के बाद हम अपने जो है से चरित्र को कैसे जो है से हम प्रस्तुत करते हैं या जो है से आचरण करते हैं। जैसे कहने का मतलब प्राचीन समय से भी शिक्षा का अर्थ जो है से क्या था फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर चरित्र का निर्माण, तो ये जो है से अभी जो है चरित्र का निर्माण नैतिकता का जो शिक्षा है मोरल एजुकेशन ये जो है से उसकी थोड़ी सी ह्रास हुई है वैल्यू क्राइसिस हुई है, इसलिए जो है से
चरित्र के बारे में भी सिखाना है। और शिक्षा का तात्पर्य होता है, क्या होता है, कि चरित्र का निर्माण करना, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बनना यह होता है। अब हम लोग जो है थे, ये हमने देखा संज्ञानात्मक क्षेत्र पहले पढ़ लिया था, अभी हम लोग भावात्मक क्षेत्र पढ़े। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है तीसरा कौन है, वो साइको मोटर डोमेन। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, भावात्मक क्षेत्र हमने पढ़ा। भावात्मक क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया, क्रथवाल के द्वारा दिया गया, 1964 में दिया गया। कितने डोमेन थे, पांच, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तीसरा जो हम लोग देखेंगे अभी वो क्या है, साइको मोटर डोमेन। साइको मोटर डोमेन, साइको मोटर डोमेन एल्सो नोन एज कोनेटिव, CONATIV, क्रियात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक मतलब क्रिया आधारित, साफ है ये, क्रिया आधारित। साइकोमोटर डोमेन आर दोज ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड्स स्किल्स एंड मोटर स्किल्स। क्या कहा मैंने, साइकोमोटर डोमेन, साइको मोटर डोमेन, डोमेन्स आर दोज ऑब्जेक्टिव, दोज ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स इंक्लूड्स क्या कहा मैंने, स्किल्स, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड मोटर स्किल, मोटर स्किल्स। क्रियात्मक क्षेत्र में वैसे जैसे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है वो क्या है, कौशल, प्रदर्शन, क्या है, मोटर स्किल, गामक, गामक कौशल। मतलब क्या, गामक कौशल मतलब शरीर के जो भाग हमारा हैंड है, जो हमारा लेग्स है, हमने कहा था ये तीसरा एच है, हैंड एक्टिव। तो हमारा जो है कहने का मतलब ये जो है, इस क्रियात्मक क्षेत्र में जो है बालक का, बालक को क्रियात्मक क्षेत्र में भी जो है से मास्टरी होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा भी कि एक शिक्षक जो है से केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक, भावात्मक के साथ साथ क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब कि वह अधिगमकर्ता, वह बालक को जो है से क्या करना है, क्लासरूम से बाहर की गतिविधियों को भी सिखाना है। स्पोर्ट्स हो गया, गार्डनिंग हो गया, या डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस क्रियात्मक क्षेत्र, और मैंने पहले बताया था आपको कि क्रियात्मक क्षेत्र जो है किसके द्वारा दिया गया है, सिंपसन, 1966। तो इस साइकोमोटर डोमेन में भी जो है सब डोमेन है। पहला क्या है, परसेप्शन, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, क्या कहा, प्रत्यक्षीकरण पहला। दूसरा है सेट, मनोवृत्ति, सेट या मेंटल सेट, या मेंटल सेट, ठीक है। तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स, निर्देशित अभिक्रिया, निर्देशित अभिक्रिया। क्या हुआ, पहला हो गया प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मनोवृत्ति, और तीसरा निर्देशित अभिक्रिया। चौथा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, कार्य कौशल, कार्य कौशल। कितना हुआ, परसेप्शन, मनोवृत्ति, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर, बी। अब जो है पहला देखिए आप, क्रियात्मक क्षेत्र में क्या है, प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण के जो है पहले एक बात आती है संवेदीकरण, संवेदीकरण, सेंसेशन, समझना इसको। ये जो है जब हमारा इवरी मैन परसीव, अब कैसे
प्रत्यक्ष करता है तो कैसे करता है, सेंसेशन के द्वारा, विभिन्न संवेदी अंगों के द्वारा जब हम परसीव करते हैं। जैसे ये हमारे हाथों मार्कर है तो हमने अब सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, स्किन के द्वारा मैंने इसको टच किया और देखा कि इट इज सॉलिड, तो अब हमको ये विश्वास हो गया कि मार्कर जो है हमारा, इसकी बाहरी जो सतह है ये क्या है, एकदम कठोर है। तो ये प्रत्यक्षीकरण हुआ। दूसरा है सेट, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति में मैंने पहले भी बताया आपको कि जो मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या कोई विचार पर उसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन एक शिक्षक का भूमिका होता है कि नकारात्मक बातें जो है वो हम ना करें या बच्चों को भी ना कहें कि नकारात्मक करें। जैसे अभी COVID-19 की वजह से बहुत सारे दिमाग में, जैसे घर पे लोग जो बैठे हैं उनका मस्तिष्क जो है नकारात्मक जैसे बातों से वो भर गया है, लेकिन इस नकारात्मक बातों को निकाल के आप सकारात्मक कार्यों में जो है से आप व्यस्त रहें। हमारे जो है से कुछ दिन पहले जो है से हमारे माननीय प्रचार महोदय का भी संदेश आया था कि उसमें जो है से आप क्या करिए कि आप जो है से सकारात्मक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रहें, तो निश्चित है कि वो नकारात्मक बात चला जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि प्रत्यक्षीकरण में हम लोग प्रत्यक्ष जो करते हैं क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों के द्वारा। मनोवृत्ति में हमने क्या कहा कि जो है से हमारा जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। देन है गाइडेड रिस्पॉन्स, निर्देशित अभिक्रिया, गाइडेड रिस्पॉन्स, समझिएगा बच्चों। ये गाइडेड रिस्पॉन्स जो है ये मोटर स्किल का प्री स्टेप है, प्री स्टेप। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या है, ये हमारा क्रियात्मक कौशल के लिए आधारित जो गतिविधि है उसका ये क्या है, प्री स्टेप है। जैसे अभी हम लोग तो पहले महाविद्यालय में हमारा खेल हुआ था तो हमारे जो है से रेफरी महोदय जब वो विसिल बजाते थे, गाइड करते थे, तो हम लोग एक्टिव होते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे वो जो मोटर स्किल है, जो गतिविधियां हैं, ये जो है से रेफरी के द्वारा या जो है कोई परीक्षक प्रशिक्षक के द्वारा यहाँ पे गाइड किया जाता है, निर्देशित करता है, ठीक है। अब हम लोग देखें आगे है मैकेनिज्म, कार्य कौशल। कहने का मतलब जब हमारा प्रत्यक्षीकरण हो गया, हमारा सकारात्मक चिंतन हुआ, और अब जब हम किसी के द्वारा निर्देशित हो रहे हैं तो निश्चित है कि हमारे में जो है क्या होगा, कुछ जो है से कौशल का जो है से हमारे में परिमार्जन होगा, और उस गतिविधि को करने के करते करते हमारे जो है से व्यवहारों में भी परिमार्जन होगा, और उस जो गतिविधि हम कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम दिन प्रतिदिन जो है हमारे में इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे आज भी हम भी पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग में कौशल जो है से वो मॉडिफाई होगा, वो परिमार्जन की तरफ जाएगा। अब पांचवा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर जो है पांचवा जो है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट। अब ये ओवर्ट है और एक है कोवर्ट। ओवर्ट मीन्स आउट और ये इन, मतलब कोवर्ट मीन्स हिडन, कि वैसा व्यवहार जो दिखाई ना दे। जैसे कभी कभी जो होता क्या है कि हमारा जब किसी व्यक्ति के प्रति जब गुस्सा होता है तो हम चाह के भी गुस्सा या उसके मन में जो नकारात्मक बातें आती है, किसी तरह का बात कहता है तो हम नहीं बोल पाते, तो वो क्या होगा, कोवर्ट, जो हिडन होगा, जो छिपा हुआ होगा, और ओवर्ट जो बाहरी होगा, जो दिखाई होगा। तो हम लोग यहां पे क्या देखना है, बिहेवियर, बिहेवियर जटिल बाह व्यवहार, कि कैसे हुआ। अभी हमने कहा कि जो कार्य कौशल है तो यहां पे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को करने के बाद वो समस्याओं को या चुनौतियों को, उस कार्य को, कठिनाइयों को क्या किया, समाधान करना सीख गया, और इस स्टेप में उस कठिन कार्यों को, समस्याओं को क्या है, आसानी से कर लेता है। क्या करता है, आसानी से या सरलता से, सरलता से या सहजता से। क्या कहा, भावात्मक क्षेत्र का जो हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ट बिहेवियर है कि वो जो जटिल कार्यों को इस स्टेप में सीख लिया और उस जटिल कार्यों को, कठिन कार्यों को अब वो करने लगा, मतलब बाहरी
अब वो कार्य जो कर रहा है, जो कठिन लग रहा था, अब वो दिखने लगा और वो उसमें सुधार आने लगा। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए आज, हम लोगों ने पढ़ा भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।